हमको गांव में क्या मिला। कुत्ता देख रहे हो कितना, इसे आप में से बहुत लोग पहचानते होंगे। ये है हमारा पालतू कुत्ता। शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और आगे जरूर शेयर करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं अपने दादी के घर एक और बार। तो पिछली बार गए थे दिवाली पे, अब की बार जा रहे हैं मकर संक्रांति पे। ओ क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार कंपेयर टू अदर फेस्टिवल्स। तो आज भी हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जो पिछली बार गए थे, यही वो रास्ता है। एक बार देख लो ज़रा, अगर आपको याद आए तो वही रास्ता है। और शायद मेरे को रात पड़ सकती है जाते जाते, तो मेरे को आज नानी के घर रुकना पड़ सकता है। तो आज मैं शायद नानी के घर रुकूँ और कल कंटिन्यू करूँगा अपनी दादी के घर के लिए वापस। तो चलते हैं, रास्ते में फिर मिलते हैं। भाई खूबसूरती चेक करो भाई एक बार पहाड़ों की, ये देखो क्या ही व्यू है यार। मन तो करता है वापस जाने नहीं, पर क्या करें, मजबूरी ने शहर ले जा रखा है जनाब। दिल तो हमारा भी गांव में ही है। बात तो सही है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं पहुंचूंगा अपने दादी के घर कल शायद, जहां तक मेरा आइडिया है। आज तो मैं कंटिन्यू करूंगा नहीं भाई, मैं थका हुआ बहुत हूँ। ठीक है, तो आज रुकूंगा मैं नानी के घर पे। मेरे लिए बहुत ईजी है भाई, मेरी नानी का घर भी एकदम बस ऐसे ही है, जैसा 5 किलोमीटर फर्क है ओनली दादी और नानी के गांव में। तो मान लो कभी अगर लेट हो जाए जाने में, तो कभी दादी के घर रुक जाओ, कभी नानी के घर, नो प्रॉब्लम। हमारे नानी के गांव है जो, वहां के देवता का मंदिर है, देख लो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो भाई ये है वो पेड़ जिससे भूत प्रेत भी दूर भागते हैं, देख रहे हो एक बार। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं टिम्बर का पेड़। आप कमेंट में बताइए कि क्या बोलते हैं आपकी भाषा में। देखिए जरा ऐसा, ये बड़े बड़े तांत्रिक बाबा इसकी लकड़ी को अपने साथ रखते हैं, बड़े तरह बड़े टाइप की। ये तो अभी छोटा सा पौधा है। आप जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कि आप क्या बोलते इसको। तो गाइस देखो हमको गांव में क्या मिला। कुत्ता देख रहे हो कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा है। देखियो छोटी सी नोज, प्यारे से टोज, एकदम डिनो जेम्स के गाने की जैसे। आप नज़ारे देख लो और कुत्ता देख लो भाई। ये है चम्बियाली कुत्ता ना, इसका वजन अभी इतना है, जब ये बड़ा होगा तब कितना बड़ा होगा। एक बार जरा नज़र मारो कितना वैरायटी का कुत्ता है भाई। ये देखो भाई, पुराने पुराने घर होते थे जो पत्थरों से बने होते थे, इसको लोग अपने, देख लो भाई रियल पत्थर होते थे एकदम भारी भारी, अपने कंधों पे उठा के लाते थे। बहुत कम बचे अब तो, देख सकते हो जैसे कि नीचे एक और घर है। और ये सबसे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे सबसे सुंदर घर ये है जो कि हमारे नाना नानी का है। गर्व की बात है मेरे लिए, ये प्राउड, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। अभी तक इतना मेंटेन करके रखा हुआ है भाई। लकड़ियों के घर होते थे पहले और छतें बनती थी पत्थर से। तो ये जो पत्थर होता है ये बहुत स्पेशल टाइप का पत्थर होता है, इसको बहुत दूर से लाया जाता है। यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर दूर होगा वो, जहाँ से ये पत्थर निकाले जाते हैं। फिर भी लोग लाते थे अपने घर की छतों के लिए। जैसे कि एक और घर दिख रहा होगा आपको सामने, वो भी है, पर इस घर जैसे कंपेयर नहीं हो सकता है। मैं आपको अंदर से भी टूर कराऊंगा इस घर का, रुक जाओ अंदर जाके दिखाता हूँ मैं कैसा है। वहाँ पर लाइट कम है पर। और ये हमारे गांव के कुल देवता है, नानी के गांव के, देख सकते हैं आप। दूर से नमस्कार कर दीजिए जहाँ पे भी आप हैं, लिखिए जय हर हर महादेव। ये देखो ना, ये देखो गाय के बच्चे, गाय कितने प्यारे प्यारे, क्यूट 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 क्यूट। इसको लग रहा है मैं कुछ खिला रही है, मुँह आगे कर रही, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जय होगा यहाँ तक। ये भी है और भी है, हेलो हेलो बोल दो गाइस। ये अलग अलग लगा करके। अरे देख लो भाई गांव के बच्चे, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं है इनके पास। देख लो क्या कर रही है ये, जंगल में घर बनाने वाला आदमी देख रहे। हाँ ये घर बना, मच्छी मारने वाला, ये बात
बच्चे बहुत स्मार्ट हैं यहाँ के। सोचा ये देख लो, ये अलमारी होती थी, ये भी अलमारी, ये दरवाजा देख लो आप एक बार, पूरा नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, ऐसे ही देख लो, पूरा फ्रेम में आएंगा नहीं क्योंकि पीछे दीवार थोड़ी पास में है। तो ये जैसे एंटर करते हैं हम, ये लकड़ी के मोटी मोटी लकड़ियों के दरवाजे होते थे, मोटाई चेक कर लो आप, ये है वाले, ये खिड़कियां बोलते हैं। अब बताइए आप क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि पता होगा। ये शेल्फ है, लकड़ी के घरों की शेल्फ ऐसे होती थी, देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे भी शेल्फ है, ये पूरी छत लकड़ी से बनी हुई है और फर्श भी लकड़ी से बना है। इंजीनियर देख लो गाइस आप कैसे बनाते थे घर। ये देखिए यहाँ पे जैसे ट्रेन में होती है ना वैसे। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, नन्ना का सीक्रेट केबिन है यहाँ पे, पता है आपको, इसके नीचे आदमी घुस सकता है। पता नहीं ये दरवाजा है शायद, इसको खोलना पड़ता है, इसके अंदर अंदर तक टनल है भाई पूरी बनी हुई, मतलब बंकर बोलते थे ना जो पुराने टाइम के बंकर, वो है वैसे। अब इसको सिर्फ राशन का सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए पहले के टाइम के बर्तन कितने बड़े बड़े बर्तन होते थे, दरवाजे छोटे होते थे पर पहले के टाइम के, देख लो एक बार चेक करो भाई। अब देख लो ऐसे दरवाजे होते थे, ये अलमारियाँ, ये नज़ारे लेने के लिए एक और खिड़की यहाँ भाई, ताकि यहाँ से दिखे। सो व्हाट इज अप गाइस, हम चल पड़े हैं दोबारा से, मतलब आज चले अपने नानी के घर से, देख लो वो है नानी के घर, तो आज नानी के घर से चले और जाएंगे दादी के घर। ये है हमारे मम्मा का लड़का पीछे मेरे, आप देख सकते हैं। इस हरामी ने बहुत लेट किया आज, मैं 12 बजे का रेडी होके बैठा था, पर भाई ये पता नहीं क्या कर रहा, क्या मस्ती में गुम। 4 बजे चले अब हम यहाँ से, रात को पहुँचेंगे अंधेरे में, अच्छा लगेगा क्या बताओ, रात को जाके सीधा रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। व्हाट इज दिस। सो गाइस ये देखो गौर से क्या है, ये नीचे ये अगर दिख रहा होगा आपको, ये तीन घर, इनमें से जो सबसे परे जंगल में है ये है आटे की चक्की, यहाँ से पानी जाता है इसमें, नीचे चरखा घूमता है। और ये जो दो है ये है जानवर को रखने के लिए घर, उनके लिए हमारे यहाँ मांडो बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देख सकते हैं। चलिए रास्ते की तरफ बढ़ते आगे, देखो तो ज़रा, देखो कितना रास्ता बाकी है। तो इसे आप में से बहुत लोग पहचानते होंगे, ये शहरों में डेकोरेशन के काम आता है, सजावट के काम, पर हमारे यहाँ तो ये ज़मीनों पे पड़ा हुआ मिलता है। देखिए ऐसे मिला मेरे को ये, ओके। और ये जो पेड़ है इनमें लगता है ये, अभी तो सब जड़ गए होंगे सूख के, पर इन्हीं पेड़ों में लगता है। तो भाई आधे रास्ते में पहुंचे, अभी आधा भी बोल नहीं सकते, अभी तो बहुत दूर है। दिखाऊं मैं आपको, वो जिधर धूप दिख रही होगी आपको, अगर आपको दिख रही है तो उधर जाना है, अभी बिल्कुल वही जाना है, कोई मजाक नहीं चल रहा, पर अभी हम आधे रास्ते में भी नहीं आए। चलिए चलते हैं, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा वरना रात हो जाएगी भाई, देखते हैं चलिए कितना टाइम लगता है। तो हम अभी पहुँच गए हैं 50% रास्ता इसे बोल सकते हैं, क्योंकि बस वो उतना दूर है जितना धूप, और आए थे कहाँ से हम, आप वो देख लो नीचे हमारा गांव, बहुत दूर इन पहाड़ों के भी पीछे हमारी नानी का गांव, वहाँ से आए थे भाई साहब। बहुत चल गए भाई, सांस चढ़ रहे पूरे, और ये बोतल की वजह से जिंदा हूँ मैं तो भी। तो गाइज ये है हमारे कुल देवता परशुराम जी का मंदिर, आपको दिखाई दे रहा होगा खरोट के पेड़ के नीचे, नमस्कार कर लीजिए।
व्हाट इज अप गाइस, अभी हम पहुंचे हैं एग्जैक्ट अपने गांव के सरकारी स्कूल में। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये छठी तक का स्कूल है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे कितने पढ़ते होंगे, गैस करो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या है 20, टोटल 20 से 25 के बीच में पढ़ते हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं पहले आया था तो उतने ही थे, अब बढ़े नहीं होंगे इतना तो मुझे पता ही है, क्योंकि एकदम से तो कोई बच्चा नहीं आएगा यहाँ पे पढ़ने। जो अमीर लोग हैं वो लोग बाहर भेज देते हैं अपने रिलेटिव्स के घर पे पढ़ने शहरों में, और जो गरीब है वो यहीं पढ़ेगा क्योंकि गरीब के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ठीक है, चलो ये सब तो अलग जगह पे, पर हम थक भी बहुत गए थे तो हम रुके थे रेस्ट करने। एक भाई हमारे साथ, हमारे मामा का लड़का, मैं और ये आए सिर्फ, तो रुके थे। और तभी हमें रुकते रुकते क्या दिखा, देखो जरा, आप भी देखो। व्हाट द हेक मैन, क्या सनसेट है भाई। अगर आप रियल आंखों से देखोगे तो और बढ़िया लिखेगा, क्योंकि ये कैमरा है तो कैमरा इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा, पर आप देख सकते हैं ये कोहरा नहीं है, ये यहाँ धुंध पड़ती है यहाँ पे। कोहरा शहरों में पड़ता है, ये धुंध है, और बड़ी प्यारी धुंध निकलती है। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी फील करो क्या ही सनसेट है। माई गॉड, सारी थकान मिटा दी इसने तो। तो भाई पहुंच गए, देखो ये है अपना घर। कम से कम कितना टाइम लगा के आए हम, कितना टाइम लगा, 4 बजे आए थे, 6 बजे पहुंचे, 2 घंटे में। ये घर है, ये नज़ारे हैं शाम के, ये बेवकूफ इंसान है। सो जैसा कि आपको पता है हम रात को पहुंचे थे, कितने बजे, 6 बजे। तो 6 बजे पहुंचने के बाद हम आए, रोटी खाई आराम से और सो गए। जैसा कि मैंने बताया था कि रोटी खा के नींद ही आएगी, तो वही हुआ, आई। अब जाके नींद खुली, टाइम देख लो आप, 10 बज गए, और धूप देख लो कितनी बढ़िया निकली यहाँ पे, इतनी तो शहरों में भी नहीं निकलती। नज़ारे जो यहाँ पे है ना भाई, मजाक नहीं कर रहा, चेक करो भाई आप, कितना सही है ना व्यू यहाँ पे। घर कितने दूर दूर होते हैं, देखो 3 घर यहाँ पे, 1-2 घर पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये बच्चा है शरारती सा, ये मेरे चाचा का लड़का है और ये मानता नहीं है, इसको नीचे गिरना है। इधर आ जा, ये है हमारा पालतू कुत्ता, गांव में पाल रखा जो हमने, ये चाचा की लड़की है हमारे। कुत्ता देख लो भाई कितना क्यूट है, और नज़ारे उससे भी क्यूट है। भाई कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा गांव में है 3रा दिन, तो आज 3रे दिन है, तो आज हम आए थे डंगरों के लिए फिर से घास लेने, वही एज यूजल गांव में जो होता ही है यूजली। तो आज के जो इस व्लॉग में, इसकी एडिटिंग आज ख़त्म हो गई है, मतलब आज तारीख है 18 तारीख है, तो आज ख़त्म होगी, ये अपलोड हो जाएगा कम से कम 20 तारीख तक, क्योंकि भाई यहाँ पर नेटवर्क इशू है। तो आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और आगे ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम।